नमस्कार, मैं दयाशंकर शास्त्री, आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस की खास खबरें। राजधानी लखनऊ के चारबाग रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने बैठक कर निर्णय लिया। 5 जुलाई को करेंगे प्रदेशव्यापी चक्का जाम व हड़ताल। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने चारबाग रोडवेज परिसर में की बैठक। शासन व प्रशासन द्वारा दिए गए झूठे आश्वासन से नाराज, अपनी मांगों एवं कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर करेंगे 5 जुलाई को प्रदेश व्यापी काम बंद। शनिवार की दोपहर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के प्रधान कार्यालय बस स्टेशन चारबाग में पूर्व में 5 सूत्री मांगों पर हुई सहमति पर शासन व प्रशासन के द्वारा कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई भी कार्य बंद करने से कर्मचारी समुदाय में शासन व निगम प्रबंधन के प्रति गंभीर असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। जबकि विगत सालों से परिवहन निगम लगातार लाभ में होने के बाद भी कर्मचारियों को सातवें वेतन एवं मृतक आश्रितों की नियमित नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों को फिक्स वेतन इत्यादि मूल मांग पत्रों पर समझौता होने के बाद भी लागू न करने की स्थिति में कर्मचारियों का धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो पूरे प्रदेश के रोडवेज कर्मी 5 जुलाई को प्रदेश व्यापी चक्का जाम हड़ताल करेंगे, जिसकी जानकारी अपनी मांग पत्रों के माध्यम से सभी जिम्मेदार को अवगत करा चुके हैं और इनकी जिम्मेदारी संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। वहीं कई सालों से कर्मचारियों के हित में संघर्ष कर रहे नेता मोहम्मद शरद की सुने जुबान। आपका शुभ नाम क्या है? मैं मोहम्मद अरशद, क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद लखनऊ क्षेत्र। क्या मांगे हैं आपकी? आज हम लोग ये जो यहाँ पे एक आम सभा कर रहे हैं, इसके लिए दिसंबर से हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और उसके कई चरणों में हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। और पिछला 9 अप्रैल को हमारी बंद चक्का जाम करने की नोटिस थी, जिस पे 8 अप्रैल को हमारा प्रमुख सचिव स्तर से समझौता हुआ और समझौते में ये कहा गया कि आपकी मांगों को 1 माह के अंदर हम पूरा कर देंगे, आदेश हो जाएंगे। लेकिन 1 माह से लेके आज आप देख रहे हैं कि ये जून शुरू हो गया, 2 महीने वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमारी कर्मचारियों को 7वां पे कमीशन का लाभ नहीं दिया। संविदा के साथियों का समझौता हुआ था उनको एक फिक्स वेतन देने के लिए, उसका समझौता वो अभी तक जारी नहीं किया गया। वेतन विसंगति का मामला है, ACP का मामला है, मृतक आश्रित भर्ती, हमारे जो चालक परिचालक या हमारे विभाग में जो लोग डेथ हो जाती है उनके मृतक आश्रितों को भर्ती किया जाता है, उसका आदेश अभी तक लंबित पड़ा हुआ। इस तरह से 10-12 मांगे हमारी हैं। ये मांगे अगर नहीं पूरी होंगी तो हमने पुनः उसी कार्यक्रम को जो मैंने 9 अप्रैल को स्थगित कर दिया है उसको आगे बढ़ा दिया है। 4 अप्रैल की मध्य रात्रि से हम लोग 5 और 6 दो दिन का चक्का जाम करेंगे पूरे प्रदेश में, अगर हमारी मांगे 4 तारीख तक नहीं पूरी होती हैं तो। प्रशासन की तरफ से आपको अभी तक क्या आश्वासन मिला है? हमें आश्वासन मिला था 8 अप्रैल का हमारा समझौता है प्रमुख सचिव स्तर पे, प्रमुख सचिव परिवहन उनके स्तर पे समझौता हुआ था और उन्होंने 1 माह का समय दिया था कि 1 माह के अंदर 7वां पे कमीशन आपका लागू कर दिया जाएगा, ACP का आदेश लागू कर दिया जाएगा, संविदा को फिक्स वेतन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे 1 महीने के अंदर बोर्ड से पास कराने के उपरांत। इस तरह से तमाम समझौते हुए थे, उस समझौतों में कोई चीज अभी तक लागू नहीं हुई।